मौसमी उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से झमाझम बरसात का दौर शुरू हो सकता है। राहत की बात यह है कि बरसात का यह दौर भी करीब सप्ताह भर तक चल सकता है। इससे उमस भरी गर्मी तो कम होगी ही और तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को सुबह से कई इलाकों में हल्की तो कई मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। इस बीच बूंदाबांदी का सिलसिला जारी दिखा, इसके चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ दिखा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बीच बीच में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 32 और 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर वहीं स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा मध्य भारत से होते हुए उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अगले कुछ दिन इसके यहीं बने रहने के आसार हैं। इससे दिल्ली एनसीआर में बरसात की तीव्रता भी बढ़ेगी। तकरीबन एक सप्ताह तक ठीक ठाक बारिश होने के आसार हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।